नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है शिक्षा एकेडमी के इस नए वीडियो में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं उत्तर प्रदेश पुलिस परिणाम के बारे में। दोस्तों, जो कि इसमें सभी को यह लग रहा है कि इसमें बड़ी गड़बड़ी की आशंका सभी को यहां पर जताई जा रही है। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पर देख लेते हैं कि आखिर कितने परसेंट यह सच्चाई है कि गड़बड़ी हुई है। तो दोस्तों, जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि नॉर्मलाइजेशन के कारण 50 नंबर तक यहाँ पर विद्यार्थियों के बढ़े हुए हैं, जिसके कारण यहाँ पर 174 लाने वाले विद्यार्थी पास हुए हैं और 224 लाने वाला फेल हो गया। यानी कि जिसके ज़्यादा नंबर हैं वह फेल हो गया और जिसके कम नंबर हैं वह यहाँ पर यह पास पास कर दिया गया है। तो चलिए दोस्तों, मैं आपके लिए इसको का प्रूफ शायद आपके लिए बताने जा रहा हूँ। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पर चलते हैं और न्यूज़ पर देख लेते हैं। ठीक है दोस्तों, जैसे कि आप यह न्यूज़ देख पा रहे हैं, यह न्यूज़ अभी अमर उजाला की न्यूज़ है। यह न्यूज़ में दिया गया दोस्तों, सबसे पहले यहाँ पर कि पुलिस भर्ती परिणाम में गड़बड़ी से अभ्यर्थी नाराज प्रदर्शन कर रहे हैं और इसमें सभी ने यहाँ पर नाराज़गी जताई हुई है। दोस्तों, यह जो खबर है 9 दिसंबर 2018 की है। दोस्तों, इसके बाद और देख लेते हैं इसमें क्या कहा गया है, डिटेल में यहाँ पर देख लेते हैं। दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि उत्तर प्रदेश पुलिस 2018 परीक्षा के परिणाम में बेतुके तरीके से नॉर्मलाइजेशन लागू करने के विरोध में शनिवार को अभ्यर्थी ने आज़ाद पार्क के पास प्रदर्शन किया था। कहाँ पर? तो आज़ाद पार्क के पास यहाँ पर प्रदर्शन किया गया था, जिसमें अभ्यर्थियों के मुताबिक 5 दिसंबर को परिणाम में पहली परीक्षा में अभ्यर्थी को बेतुके ढंग से 50 अंक तक का नॉर्मलाइजेशन का लाभ दिया गया है। ठीक है, कितने? 50 अंकों तक, यानी 50 अंक तक विद्यार्थियों के बढ़ाए गए हैं। दोस्तों, इस वजह से ज़्यादा अंक पाने वाले अभ्यर्थी को अनुत्तीर्ण कर दिया गया, यानी कि फेल कर दिया, डिसक्वालीफाई कर दिया और कम नंबर वाले विद्यार्थी को यहाँ पर पास किया गया है। ठीक है, देखिए। और दोस्तों, इसमें और कहा गया है यहाँ पर कि उत्तर प्रदेश पुलिस न्याय मोर्चा एवं रोजगार मांगे इंडिया के सदस्य अंकित परिहार ने कहा है कि भर्ती बोर्ड ने 174 अंक पाने वाले को उत्तीर्ण जबकि 224 अंक पाने वाले छात्र को अनुत्तीर्ण कर दिया है, जो कि अन्याय है। अभ्यर्थियों ने नॉर्मलाइजेशन को सामान्य ढंग से लागू करने की मांग करते हुए यहाँ पर पारदर्शी बनाए जाने की मांग की है। ठीक है, उन्होंने सभी विद्यार्थियों के परिणाम, महिला अभ्यर्थियों की परिणाम सूची भी जारी करने की मांग की है। प्रदर्शन में अलीगढ़, मुरादाबाद, शामली, जौनपुर समेत कई जनपद यहाँ पर हैं जहाँ पर विद्यार्थी अपना प्रदर्शन कर रहे हैं ताकि उनका जीवन बिगड़ने से बन सके। तो दोस्तों, इसमें बहुत बड़ी यहाँ पर गड़बड़ी सामने आई हुई है। तो दोस्तों, यदि आप सहमत हैं तो प्लीज़ आप ज़रूर मदद करें। जो भी विद्यार्थी आप यहाँ पर मदद करेंगे, जल्दी से जल्दी उनका जो रिज़ल्ट है वह कैंसिल करवाने की सभी यहाँ पर मांग कर रहे हैं। तो आप सभी एक साथ होकर ही सब करा सकते हैं। यदि हम सब एक साथ नहीं होंगे तो कुछ एक व्यक्ति कुछ भी यहाँ पर नहीं कर सकता। आपको ऐसा लग रहा है कि यह सही हुआ है तो कोई बात नहीं है दोस्तों, लेकिन यह सही नहीं हुआ है हर किसी के मायने में, क्योंकि दोस्तों सभी को यहाँ पर ज़्यादा अंक पाने के लिए ही यहाँ पर स्टडी करता है। और दोस्तों, यहाँ पर तो यह सरासर गलत हुआ है कि जितने ज़्यादा अंक वाले विद्यार्थी हैं उनको सभी को डिस्क्वालीफाई कर दिया गया है, बाकी सभी कम विद्यार्थियों को यहाँ पर पास कर दिया गया है। ठीक है, तो आप सभी से निवेदन है, प्लीज़ आप सब एकजुट हों ताकि यह जो कि गड़बड़ी हुई है यह इसका क्लियर हो सके। ठीक है, तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। यदि आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि ऐसे ही आपको हर अपडेट से अवगत करा सके। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए दोस्तों, बाय।